गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास वन के बच्चों को आज मैं बोतल का चिन्ह कहानी सुना रहा हूँ। आप लोगों का मेगा हिंदी पार्ट टू चलता है, आइए बोतल का चिन्ह कहानी सुनिए। बहुत समय पहले एक महुआ था, एक बार उसने अपना जाल समुद्र में डाला। जैसे ही उसने जाल बाहर निकाला तो उसमें से एक बोतल फंसी। मछुए ने जैसे ही बोतल का ढक्कन खोला उसमें से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते धुएं में से एक जिन प्रकट हुआ। देखिए यह जिन है, ठीक है, जिन प्रकट हुआ। जिन ने कहा, मैं वर्षों से इस बोतल में बंद था, तुमने मुझे निकालने में इतनी देर क्यों लगाई? मछुए ने घबराकर कहा, यह क्या जिन भाई, मैंने तुम्हें निकाला और तुम मुझे ही खा नहीं हाँ तो, देर क्यों लगाई, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हें ही खाऊंगा। मछुए ने घबराकर कहा, यह क्या जिन भाई, मैंने तुम्हें निकाला और तुम मुझे ही खाना चाहते हो? जिन ने गुर्राकर कहा, बकबक मत करो, मैं कई वर्षों से भूखा हूँ, बोतल में रहकर मैं कमजोर हो गया हूँ। मैं कई वर्षों से भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें ही खाऊंगा। देखिए इस तरह से हंस रहे हैं आप, बोल रहे हैं। तब मछुआरा बोला, मैंने तुम्हें निकाला है और तुम ही मुझे खाना चाहते हो? मछुए ने कहा, मैं नहीं मानता, तुम इतने बड़े जिन हो, इस छोटी सी बोतल में वर्षों तक कैसे रह सकते हो? वो चतुराई, मछुआ जो है थोड़ा चतुराई से जिनको बातों में फंसाया, बड़े अजीब आदमी हो तुम। जिन ने कहा, तुम्हारे सामने मैं बोतल से निकला और तुम जानते नहीं, बोतल से धुआं निकला था। मछुए ने कहा, तुम धुएं के पीछे समुद्र के पानी से आए होगे। मैं कह रहा हूं ना कि इस बोतल में बंद था, तुम उटपटांग बातें कर रहे हो। जिन चिल्लाया, जाने दो जिन भाई, मैं इतना बुद्धू नहीं हूं, कहां तुम्हारा इतना बड़ा शरीर और कहां बेचारी छोटी सी बोतल, मुझे विश्वास नहीं होता। मछुआरा बोला, अच्छा मैं बोतल में घुस कर दिखाता हूं तो तब तुम्हें यकीन हो जाएगा। जिन ने कहा, तुम इस बोतल में घुस ही नहीं सकते। मछुआरा बोला, तुम इस बोतल में घुस ही नहीं सकते। उसकी बात सुनकर जिन को गुस्सा आ गया और वह उड़कर बोतल में घुस गया। जिन के अंदर घुसते ही मछुए ने झट से बोतल का ढक्कन कस दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। तो देखो बच्चों आपने मछुआरे ने किस चतुराई से अपनी जान बचाई। इसलिए कभी कभी ऐसा है बच्चों कि हम लोगों का जान जब मुसीबत में आ जाए तो माने कि कितने भी शक्तिशाली व्यक्ति रहे, कितने भी शक्तिशाली माने कि जानवर रहे, उस समय घबराना नहीं चाहिए। हमको बुद्धि से और हिम्मत से काम लेना चाहिए, जैसा कि ये मछुआरे ने जिन के साथ किया। बेस्ट ऑफ लक।